तो ये बहुत अच्छा इसर्सन रीजन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इसर्सन ये है, रीजन ये है, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसर्सन रीजन क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक फिगर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऐड की हुई है ये, इसको आप एटलीस्ट एक बार यहाँ पे जो लाइन लिख रहा है कितना मस्त क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन को एनसीईआरटी से देखेंगे। देखो, लास्ट ईयर जो इसे क्वेश्चन आया था रीनीट 2023 के अंदर जो मणिपुर में हुआ था, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से मैच करता था। ठीक है, और जो 7 मई को जो हमारा नीट हुआ था, नीट 2023 वाला, उसमें जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर था। तो इस चैप्टर में अब जो है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर रिमूव हो चुके हैं एनसीईआरटी से, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, तो अब जो ये चैप्टर हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इससे अच्छे अच्छे इसर्सन इंजन क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इसर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और जितने प्रीवियस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, उन दोनों को साथ साथ हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले इंपॉर्टेंट है, नाम सुनो, क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स को हम लोग डिवाइड करें तो रिड फॉर द रिडक्शन और ऑक्स फॉर द ऑक्सीडेशन, यानी कि पूरे चैप्टर में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले अगर आपको इसमें बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर कर लो कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये पता कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर। जैसे ये HOF एक कंपाउंड है, इसमें हर एक एलिमेंट के ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, देखो, कोई भी कोवेलेंट, जैसे अगर हम बात करें HOF का, बहुत ही सिंपल कंपाउंड है, HOF की बात करें तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे H, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें कैसे हम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं हर एक एलिमेंट को, वो देख लो यहाँ पे। देखो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को -1 देंगे, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को हम -1 देंगे। तो इस अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन पे -1 होगा, और इस कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन पे +1 होगा, क्योंकि लेस फ्लोरीन से तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, और फ्लोरीन में जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन में -1 होगा। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर बात करें तो -1 +1 करके इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें मैंने इसको डिस्कस कर लिया, और फ्लोरीन पे -1 होगा और हाइड्रोजन में +1 होगा। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड को देख के और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देख के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सा पॉइंट लिख रखा है जो कि एनसीईआरटी में आगे दे रखा है, तो उसको अभी देख लो तो ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंटल फॉर्म इज 0। जैसे अगर तुम बात करो एसिड जो है गया, ठीक है, सल्फर इसी नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। फॉस्फरस जो है P4 के फॉर्म में पाया जाएगा, इसमें भी 0 होगा। कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, ठीक है, उनमें जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होंगे उनमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और अल्काइन अर्थ मेटल में मोस्ट कॉमनली +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी तो वेरिएबल होता है, लेकिन ओवरऑल देखो तो तुम +1 +2 बोल सकते हो। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूरे चैप्टर में ये लाइन है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ +1 होता है और मेटल के साथ -1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें आप कन्फ्यूज रहते हो तो बहुत कन्फ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो नॉन मेटल में याद कर लो, नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है, अब एग्जांपल भी देखेंगे हम, तो वहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन शो करेगा। अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन शो होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो लाइन यहाँ पे दे रखा है, ये बहुत अच्छा लाइन दे रखा है कि वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज अ रिडक्शन। जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा वहाँ साथ साथ रिडक्शन भी होगा, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, सेकेंड लाइन जो है मेरा, रिडॉक्स रिएक्शन जो है सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, फिजिकल रिएक्शन में भी देखने को मिलते हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से फिजिकल रिएक्शन जहाँ पे हमको आपको मतलब रिडक्शन देखने को मिलते हैं, इसका एग्जांपल कुछ देख लो, और बायोलॉजिकल रिएक्शंस उसके भी देख लो। तो जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, जैसे कि हम आपके बायोलॉजी के अंदर भी ये चैप्टर दे रखा है, वहाँ भी इसको हम पढ़ना है, जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हम लिक्विड हाइड्रोजन से फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं, जितने भी अभी स्पेस मिशन होते हैं उसमें क्या कहते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल की तरह। और ओजोन होल, जो डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल है, तो वहाँ पे मतलब मोस्ट कॉमनली कौन कौन से इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं जहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन इकोनॉमी और फिर हो जाएगा ओजोन होल।
ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो इस चैप्टर में बहुत कुछ जो है जो कि आपको नहीं पढ़ना, सही में नहीं पढ़ना, ठीक है, तो उसको मैं स्किप करते चलूँगा, बाकी हर एक चीज़ को प्रॉपर डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने कुछ यहाँ पे कंपाउंड लिख के लाया हूँ, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेक करेंगे। जैसे H2O है, बहुत कॉमन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को -1 दे देंगे इस बॉन्ड के लिए, और इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन पे -1 -1 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा। उसी तरह से तुम H2SO4 का भी कर सकते हो, हर एक बॉन्ड को ब्रेक करो, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको -1 और जो लेस है उसको +1 दे दो। तो इस तरह से सल्फर के ऊपर हो जाएगा +6 और बाकी ऑक्सीजन के ऊपर -2 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नॉन मेटल के साथ, तो इस पर +1 होगा। HOF मैंने देख लिया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, सिंपल देखो, ऑक्सीडेशन का NCERT में बहुत बार डिफिनेशन दे रखा है, तो उस सिंपल डिफिनेशन को याद करो कि ऑक्सीडेशन वर्ड होता क्या है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। एग्जांपल देख लो, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, सल्फर में SO2 ऐड करते हैं तो SO2 बन गया, ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो चेक करना है तुमको, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कितना होगा +2 हो गया, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे सल्फर है तो एसिड के फॉर्म में होगा, सॉलिड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा +4 होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन होगा। बाकी बहुत सारा डेफिनेशन एनसेटिक दे रखा है, उसको भी देखते चलेंगे। बाकी जैसे यहाँ पे मीथेन है, तो मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम मीथेन के अंदर CH4 के अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये CO2 और H2O में ऐड हो जाएगा। सिंपल, तुमको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन शीट चेक कर लो, ठीक है, या ये भी देख लो कि हाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पे इंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ये H2S है, H2S में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर का फॉर्म होगा और H2 रिलीज होगा। यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन वर्ड चेक करो, कुछ अगर तुम कन्फ्यूजन हो रहा है कि हाँ ऑक्सीजन तो यहाँ पे ऐड हो रहा है फिर H2 निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन वर्ड चेक करो, बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तुम देखो सल्फर पे ऑक्सीडेशन क्या है, -2 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन होगा, तो 2 हाइड्रोजन यानी कि +2 हाइड्रोजन पे हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन पे, और सल्फर पे होगा -2। तो यहाँ पे सल्फर -2 से कन्वर्ट हो रहा है 0 पे, तो यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है जो ऑक्सीडेशन का, कि अगर हम मैग्नीशियम में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़े, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। बस देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को ऐड कर रहे हैं, यहाँ से एक नया डिफिनेशन ही राइज होगा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ये डिफिनेशन जरूर याद कर लो। देखो ये छोटे छोटे बेसिक्स लाइन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में भी बहुत कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू सब्सटेंस, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस, यानी कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या किसी भी कंपाउंड से अगर हम रिमूवल कर रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव का एलिमेंट को एडिशन करना है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिडक्शन रिमूवल करेंगे तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छा डिफिनेशन है, इसको एक बार देख लो, ठीक है। तो यही यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे प्लस मतलब 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल अगर तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं, तो सिंपल ऑक्सीडेशन बोल दो। अगर ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे मिला, यहाँ पे तो ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं, तो फिर कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं हम सीधा, 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रो, और जो मेरा दूसरा यहाँ पे लाइन था कि रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर रिमूव करते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब इस लाइन को तुम देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसके अंदर आपको बहुत सारा मिलेगा इसके। देखो इसमें ये है कि इस रिएक्शन में ये बोल रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करें तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तुम देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक यहाँ पे फंडा सीख लो कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है, जो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े होगे या पढ़ लोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। आयरन को हम X मान लेते हैं,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं कि कुछ भी हो, हमको आयरन का पता करना है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, ठीक है, ये आपको गिवन होगा, ये मैंने खुद से लिखा है, निकालने के बाद फाइंड होगा आपको आयरन के पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जिसको हम एक्स मान लिए। देखो जो CN है साइनाइड, इस पर -1 होता है पर आयन का, तो यहाँ पे 6 आयन है तो -6 हो जाएगा, और पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जो है -4 है, तो इक्वल टू -4 दे लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा +2, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इस कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो आयरन पे एक्सलेट कर लिए, और CN माइनस का एक का होता है -1, तो 6 कंपाउंड का वो -6 हो गया, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 है तो इक्वल टू -3 डाल देंगे तो एक का हो जाएगा +3। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कंपाउंड का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो यानी कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें आयरन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं तो मेरा ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे देख लियो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एडिशन करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन बोल देंगे, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे तब भी ऑक्सीडेशन बोल देंगे। तो ये है ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखा है रिडक्शन, सेम यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट उसको अपोजिट कर देंगे। अगर हम ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे हैं या मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल कर रहे हैं तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे, या किसका एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन कर रहे हैं तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया रिडक्शन का डिफिनीशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको अगर अभी दिमाग में कन्फ्यूज रहोगे तो फिर वहाँ पे आप कन्फ्यूज कर जाओगे पेपर के अंदर, ठीक है। सिंपल सा है कि रिडक्शन प्रोसेस के कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे इसको हम हीट किए तो ये भी तुम देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड है इससे हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो यानी कि रिडक्शन है। या तुम यहाँ पे जो मरकरी है इसका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हो, +2 से ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि ये रिडक्शन है, ठीक है। जैसे ये FeCl3 है और ये कन्वर्ट हो गया FeCl2 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 में चला गया यानी कि रिडक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो कि हाँ रिडक्शन कौन है और ऑक्सीडेशन कौन है। मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर 4 स्टेटमेंट दे देंगे, मतलब 4 रिएक्शन दे देंगे, बताएंगे बताओ इसमें किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। सुनिश्चित हमारे यहाँ पे दे रखा है, देखो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो ऐसे एटम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, जैसे जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कोई मेटल है तो ये +2 फॉर्म कर लेगा। तो ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैटायन फॉर्म करते हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये मेटल्स ही होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रहा है कि रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के हमें बताना है। सिंपल से देखो कि बस ऑक्सीडेशन स्टेट सबका चेक करते जाओ और पता कर लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है ये कि ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे, या तो एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। अब यहाँ पे देखो सोडियम है मेरा, इसमें एक बार हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे सोडियम का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से चला गया +1 के अंदर। यहाँ पे हम सोडियम के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन यानी कि O2 को ऐड कर रहे हैं तो ये भी इसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे सल्फर जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसको ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल है, वही डिफिनेशन है फिर से कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बेसिक्स आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि हाँ, मतलब सिंपल से कि हाँ यहाँ पे सोडियम जो है 0 से +1 में कन्वर्ट हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जो क्लोरीन है ये 0 से -1 में चला गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये इसका रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से ये बेसिक देखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा डिफिनेशन कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, हाफ रिएक्शन डेट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस डिफिनेशन तुम भी दे सकते हो। देखो तो नया चीज़ ऐड हो गया कि यहाँ पे मेरा सोडियम जो है 0 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे एक और डिफिनेशन आया गया कि अगर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे,
अगर गेन या फिल्ट्रॉन होगा उसको रिडक्शन बोलेंगे। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, देखो मैंने अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ा हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन छूट ना जाए आपके लिए, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलो आपको अच्छे से स्कोर कर दोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको रिडक्शन बोलेंगे। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट क्या होता है, दलाल टाइप के मतलब जो होते हैं कि जिनका काम है ऑक्सीडेशन कराना, वो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या होंगे, ये खुद रिड्यूस होंगे, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस होंगे, किसी और को ऑक्सीडेशन कराने के चक्कर में वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, तो वो हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे दलाल जो कि खुद को ऑक्सीडाइज करे और किसी दूसरों को रिड्यूस करे, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एजेंट होता है, देखो ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ये एजेंट क्या है, जिनका काम है ऑक्सीडाइजिंग कराना, जिनका काम है रिडक्शन कराना, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यही यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा ऑक्सीडेशन हो गया, जो गेन करेगा उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसे एजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है, खुद को रिड्यूस करे और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करें, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे एजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे लेकिन किसी और को रिड्यूस करे, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। बोलेंगे कि कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन सी बात याद कर लो कि देखो कोई भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि खुद को ही ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि अगर ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अपने आप को एटलीस्ट प्लस फाइव में तो इंक्रीज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और किसी और को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, कार्बन का है यहाँ पे प्लस फोर, नाइट्रोजन का है प्लस फाइव, क्लोरीन का है प्लस फोर, और सॉरी नाइट्रोजन प्लस फोर में है और सल्फर भी प्लस फोर में है। तुम देखो एक बार देख लो कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस फाइव हो सकता है, जो कि आप प्रीवियस टेबल के में पढ़े होंगे कि कैसे किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्लोरीन का प्लस सेवन होगा और सल्फर का प्लस सिक्स होगा, तो यहाँ पे तुम देख लो, और कार्बन का जो है प्लस फोर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन प्लस फोर से प्लस फाइव में ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्लोरीन जो है प्लस फोर से प्लस सेवन में ऑक्सीडाइज हो सकता है, सल्फर जो है प्लस फोर से प्लस सिक्स में ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेकिन अगर बात करें हम इसका CO2 का, तो तुम देखो यहाँ पे इसका प्लस फोर से प्लस फोर में ही ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अपना कार्बन जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। तो जो अब खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता तो किसी और को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कैन नॉट रिड्यूस इटसेल्फ, कैन नॉट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता यानी किसी और को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन के एग्जांपल आंसर होगा CO2, क्योंकि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्लस फोर से ज़्यादा इसका हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो कुछ नहीं करना है, तुम देखो कि कौन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा यानी कि खुद को कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो निकल का देख लो, तो जीरो से प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि खुद को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है और किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा। तो हमको बोलना है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि खुद को कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो निकल होगा, आंसर में निकल है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, अभी मैं आपको एसर्शन एजेंट जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। देखो तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसर्शन एजेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो मैं इसको अगर डिस्कस करूँ तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एक फिगर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चंस फ्रेम होगा कि एक बीकर के अंदर अगर हम कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन रखे हुए हैं और उसमें जिंक रॉड को अगर हम उसमें डिप किए हुए हैं, होगा क्या। देखो यहाँ पे मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज ऐड की हुई है, ये इसको आप एटलीस्ट एक बार याद जरूर कर लेना। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर है वहाँ पे तो हमने एक एक चीज़ को याद किया था, कैसे याद करना है उसके, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं याद कर पा रहे तो एटलीस्ट इतना याद कर लो कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। इससे हर साल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन या तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे पीवाईक्यू के अंदर, या यहाँ मिल जाएंगे, तो आप दोनों जगह चेक कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। लेकिन इसको आप यहीं पे पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है अच्छे से, ठीक है। तो अगर बात करें कि अगर कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर अगर जिंक रॉड को हम डिप करेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो जिंक जो है यहाँ पे रिएक्शन होगा और जिंक Zn प्लस टू आयन के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो कॉपर होगा वो इस रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल जो होगा कि ये जो कॉपर नाइट्रेट के कारण जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, वो कलर जो है कलरलेस हो जाएगा,
ठीक है। और जो जिंक है वो आपके यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और कॉपर जो है इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसीलिए ये जो है रॉड अब रेडीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लाइन दे रखा है कि अगर हम स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक जिंक, अगर जिंक को हम एक एक्वस कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है, एक घंटे के लिए अगर उसको छोड़ दे तो फिर क्या होगा, तो स्ट्रिप बिकॉम रेडीस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मेटेलिक कॉपर का डिपोजिशन हो गया है। तो यहाँ पे तुम देख लो फिगर में कि स्ट्रिप जो है यहाँ पे रेडीस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक कॉपर का डिपोजिशन हो गया है, कॉपर जो सॉल्यूशन में था वो आपको रॉड पे आके डिपोजिट हो गया, ठीक है। और ठीक है, जो Zn+2 आयन होगा ये आपके पूरे सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन के अंदर आपको डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होता है। इसका अगर हम रीज़न पूछें कि अगर इंसर्शन में इस लाइन को दे दें कि हाँ, एक जब हम मेटेलिक जिंक को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो फिर, ठीक है, ये इंसर्शन हो गया। रीज़न क्या होगा, रीज़न इसका ये होगा कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा रड के ऊपर, ठीक है। अगर इसको और एक्सटेंड कर दे इस रिएक्शन को, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को पास कर दे कॉलरलेस जो सॉल्यूशन जो है जिसमें Zn+2 आयंस डिजॉल्व हैं, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा एक वाइट इस जिंक Zn जो है ऑप्टेंड होगा। होगा ये कि जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम H2S को पास कर दें तो Zn का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक वाइटिस अपीयरेंस देगा उसको, ठीक है। सो ये था, तो ये आपको इस टाइप से पढ़ना है कि ये सारे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ के जाना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, अगर बात करें कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हुआ होगा, तो जिंक जो कि हमारे रड में था और कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया Zn+2 में और कॉपर का रिडक्शन हो गया, ठीक है, सी में, और ये सॉलिड में डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल से अगर ये भी तुम देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, 0 से +2 में चला गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, या ये भी देख लो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर जो इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा लाइन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे लाइन ये दे रखा है कि एक स्ट्रिप, देखो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अलग से आपके लिए नोट कर रखा है कि अगर स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक कॉपर को, ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो कोई भी हमको रिएक्शन वहाँ पे नोटिस नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, ये एसर्शन हो जाएगा आपका। रीज़न जैसे इसका अगर हम अपोजिट करें, यहाँ पे क्या था कि जिंक रॉड को हम कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, हम कॉपर के रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि जब आप इस इलेक्ट्रो रिएक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी को देखोगे तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, तो ये जिंक यहाँ पे कॉपर को मतलब डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही सिंपल आपको रीज़न देना है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, हेंस कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो इस टाइप के सेक्शन में क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं कि कॉपर मेटल को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखो कॉपर जो हमारा है, कॉपर मेटल जो है और सिल्वर नाइट्रेट है, इस दोनों को अगर हम साथ में रखें तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है। अगर फिर से आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल को देखो तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो फिर ये सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और यही होगा, ठीक है, सॉल्यूशन जो है डेवलप ब्लू कलर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और Cu+2 आयन फॉर्म हो जाएगा जो कि ब्लू कलर देता है। ये आप याद कर लो कि जो Cu+2 आयन होते हैं ये ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। सो ये था नेक्स्ट हमारा, ये देखो यहाँ पे फिर से वही सेम एग्जांपल दे दिया जो हमने दूसरा वाला पढ़ा था कि एक कॉपर का रड है, उसको अगर सिल्वर नाइट्रेट में हम सॉल्यूशन में डाल दें तो कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर नाइट्रेट से, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि जो कॉपर हमारा रड है ये सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 आयन के फॉर्म में आने लगेगा, और जैसे जैसे Cu+2 आयन आएगा उससे उससे इसमें ब्लू कलर जो है डिपॉजिट होते रहेगा, ठीक है, और जो सिल्वर थे हमारे इस रड पे डिपॉजिट होंगे तो रड का जो कलर है वो वाइटिश होने लगेगा और जो सॉल्यूशन कलर है वो ब्लूइश होने लगेगा क्योंकि Cu+2 आयन इसमें डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल क्या है, मतलब वही जो हम ऊपर आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर क्या है वही है। तो इतना तो आप एटलीस्ट NCERT में खुद 3 दे रखा है, इसको याद कर लो कि जिंक सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा, फिर कॉपर होगा, फिर सिल्वर होगा, ये जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। जहाँ यहाँ पे NCERT में थोड़ा मतलब दूसरे लैंग्वेज में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसका ऑर्डर याद कर लो। सो ये है मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। नाम अलग अलग है, बात सेम है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, मेटल एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब
देखो यहाँ पे जाके एनसीईआरटी में बस यही दिक्कत है कि यहाँ पे जाके अब ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट ला रहा है, क्योंकि हमको पहले पढ़ लेते तो बाकी एग्जांपल्स इजी होते हैं समझने के लिए। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रेदर देन अ कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, ठीक है। लैंग्वेज में अच्छा इंपॉर्टेंट दे रखा है कि ऑक्सीडेशन जब भी रिडक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हाँ जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेटल जो है प्लस टू में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा कंप्लीट लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया होगा मैं भी, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है जो कि हम स्टार्टिंग में देख के आ गए थे। देखो आपको ना मतलब जो प्रियोरिटी ऊपर हो गया तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ना है कि जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो वहाँ पे हम कैसे निकालते हैं। जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना जिसमें हम लोग की फ्लोरीन का बता रहे थे कि हाँ मैक्सिमम प्लस सेवन ऑक्सीडेशन हो सकता है, नाइट्रोजन का प्लस फाइव हो सकता है, ऑक्सीजन का प्लस सिक्स हो सकता है, तो कैसे हम पता कर रहे थे। तो जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे तुम देख लो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें यहाँ पे हम नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फाइव है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन रेट कितना पॉसिबल है, तो फाइव माइनस एट टू फाइव यानी कि माइनस थ्री टू प्लस फाइव तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है नाइट्रोजन का। उसी तरह से अगर सल्फर की पता करोगे तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपके हो गए सिक्स, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन रेट कितना हो सकता है, तो सिक्स माइनस एट टू सिक्स यानी कि माइनस टू टू सिक्स, ये हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का किसी भी ग्रुप का हो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या होगा। रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है, किसका रिडक्शन पॉसिबल है, तो हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ जनरल सा रूल दे रखा है, बेसिक सा जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में और ऑन कमांड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। जैसे H2O2, Cl2O3, P4A8 हम एग्जांपल पहले देख चुके हैं, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर जो है जीरो होगा। दूसरा यहाँ पे है कि अल्कली मेटल में जनरली प्लस वन होता है, हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में जनरली प्लस टू होता है, ठीक है। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमनली मोस्ट कंपाउंड में माइनस टू होता है, लेकिन एग्जांपल याद करो कि कहाँ कहाँ पे माइनस वन होता है, ठीक है। कहाँ पे माइनस वन अपॉन टू होता है, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये होता है। अब देखो पोरऑक्साइड, इसका एग्जांपल याद करो H2O2 और Na2O2, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू नहीं होकर माइनस वन होता है। नाम क्या है, पोरऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ याद करना, जहाँ भी पोरऑक्साइड आएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके माइनस वन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों यहाँ पे दे रखा है, H2O2 और Na2O2। इसका देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है समझ में आया कि कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे आपको Na2O2 हो गया, H2O2 हो गया, ठीक है। तो H2O2 आप ऐसे ही समझो कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है ऑक्सीडेशन प्लस वन होगा यानी कि प्लस टू, फिर ऑक्सीजन दो है यहाँ पे, तो अगर हम इसको 2x काउंट कर लें इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू एक का हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। इस तरह से आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो माइनस वन होगा। तो पोरऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस वन होता है, और सुपर ऑक्साइड के अंदर आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वन अपॉन टू होता है, ठीक है। सो दोनों ही याद कर लो। देखो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, देखो अगर आपका एस ब्लॉक त्रिभुज हो चुका है तो जब एस ब्लॉक चैप्टर में था तो वहाँ पे हमको पढ़ना था कि सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, KO2, ठीक है, और रुबिडियम ऑक्साइड, ये दोनों जो है सुपर ऑक्साइड में काउंट होते थे। क्या रीज़न था, कैसे साइज मैटर करता है, वो सब आपको इस ब्लॉक के अंदर अच्छे से पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं, तो सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो माइनस वन अपॉन टू होता है। अब ये माइनस वन अपॉन टू आप कैसे देखोगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मेरा KO2 है, तो KO2 जो है पोटाशियम के ऊपर तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है और O2 माइनस के ऊपर माइनस वन है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख लो x प्लस वन इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू माइनस वन हो जाएगा। अगर O2 की बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होगा यानी कि O2 माइनस होगा, यानी कि एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है माइनस वन बाई टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, याद कर लो। मोस्ट हम तो ये बोलेंगे कि KO2 और RbO2 इन पे जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन बाई टू होगा, और ये है सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। बाकी एक एग्जांपल्स यूनिक एग्जांपल दे रखा है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का, ठीक है, OF2 का। यहाँ पर तुम देखोगे OF2, देखो ये सारे एग्जांपल्स बहुत, कहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस वन होगा, कहाँ पे माइनस वन बाई टू होगा, कहाँ पे प्लस टू होगा, कहाँ पे प्लस वन होगा, इन चारों एग्जांपल को याद कर लो,
ठीक है। अगर तुम ध्यान से स्ट्रक्चर देखो किसका, ओ एफ टू का, तो ये ऑक्सीजन है, दो फ्लोरिन जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को माइनस वन देंगे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को प्लस वन देंगे, यानी कि इस बॉन्ड में फ्लोरीन तो ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फ्लोरीन को माइनस वन देंगे और ऑक्सीजन पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन देंगे, यानी कि ऑक्सीजन पे टोटल कितना होगा, प्लस टू होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और बात करें अगर ओ टू एफ टू का, तो ओ टू एफ टू पे बात करें तो ऑक्सीजन कितने मेरे दो हैं, ठीक है, और फ्लोरीन दो हैं, तो इस बॉन्ड में अगर बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो माइनस वन होगा, और इस बॉन्ड पे जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्या होगा, उस पर माइनस वन होगा, तो ये आपका हो गया, ठीक है, ओ टू एफ टू, तो ऑक्सीजन पे प्लस वन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस टू होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लो, बहुत काम देगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्लस वन होता है, मैंने स्टार्टिंग बोल दिया कि अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है माइनस वन होगा, अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH2 है, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या होगा, प्लस टू होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा हमारा, माइनस वन होगा एक हाइड्रोजन का, यानी कि दोनों का मिलकर हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है माइनस वन होगा, ठीक है। अब फ्लोरीन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर, हम फ्लोरीन जो है मोस्ट कॉमनली है मेरा, इसमें ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है, माइनस वन ही शो करता है, फ्लोरीन ही तो है क्या है जिसका ऑक्सीडेशन में ज़्यादा वेरिएबल होता नहीं है, ठीक है। अब देखो दी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं किसी एटम के, सबको ऐड कर दे तो फाइनल मेरा जो है जीरो होता है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, जैसे ये है, अगर कोई आयन है तो उस पर जो हो उस पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है वही उस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पे कि देखो कि हर ग्रुप के अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, देखो तो ग्रुप वन के अंदर वन होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का प्लस टू होगा, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पी ब्लॉक का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक होगा। जैसे मान लो कि अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का अगर पता करें कि एल्युमिनियम का रेंज क्या होगा, देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है एल्युमिनियम का, थ्री माइनस एट, ठीक है, से लेकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि थ्री तक होगा, यानी कि एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा माइनस फाइव से लेके प्लस थ्री तक होगा, ठीक है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि हमारा किसी भी एलिमेंट का रेंज क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, यानी कि जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है देखो, बहुत ही सिंपल सा टर्म है स्टॉक नोटेशन, अगर आप स्टॉक नोटेशन मतलब इसको आपको पता नहीं हुआ कि है क्या, तो आप एग्जाम में मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर पता है तो कुछ है नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड इन बाय पुटिंग द रोमन नंबर, यानी कि सिंपल क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर को जो हम पुट करते हैं रोमन नंबर के टर्म्स में उसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन, बस इतना ही है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि यहाँ है क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऑरिक क्लोराइड, तो यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री होता है, तो इसको हम रोमन में यहाँ पे थ्री शो कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं स्टॉक नोटेशन के फॉर्मेट लिख देंगे। ऑरस क्लोराइड का यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर वन होता है, ऑरिक क्लोराइड में गोल्ड का थ्री होता है, उसी तरह से स्टेनस क्लोराइड है इसमें तीन का जो है वो टू होता है, और स्टेनिक क्लोराइड में फोर होता है। तो इस तरह से आप मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे समराइज कर रखा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हम पूरा जैसे डिटेल में देख चुके हैं अभी, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा कि दो मिल के रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन करें, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितने भी मेरे कंपोजिशन रिएक्शन हैं वो सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दे देगा एग्जांपल से बताओ इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, ठीक है। तो जितने भी कंपोजिशन रिएक्शन है, जैसे कार्बन प्लस ओ टू फॉर्म हो रहा है सी ओ टू, या मीथेन प्लस ओ टू फॉर्म हो रहा है सी ओ टू प्लस एच टू ओ, तो जितने भी कंपोजिशन रिएक्शन है ये सब आते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। सो कुछ नहीं होगा, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ नहीं होगा कि एक रिएक्टेंट डिवाइड करके दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन का तो टूटना हो गया, तो ये एक रिएक्टेंट टूट के और दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो सिंपल उसका अपोजिट जो होगा मेरा डिकम्पोजिशन होगा कॉम्बिनेशन का। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन तुमको याद रखना है ये, देखो यहाँ पे लाइन लिख रखा है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, बहुत ही अच्छा लाइन है। इस पर एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराएं तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है,
क्यों नहीं है कि देखो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम का यहाँ पे 2 है, कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ भी कैल्शियम का 2 ही है, ऑक्सीजन का -2 ही है और कार्बन का +4 ही है, तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होगा? तो यही है कि सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले है क्या, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई जो है, एक्स जो है वाई को डिस्प्लेस कर रहा है और एक्स जेड का फॉर्मेशन कर रहा है। दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया था स्टार्टिंग में, इसको आप अच्छे से याद कर लो। ये आपको अगर आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका याद किए हुए थे, ट्रिक्स याद किए थे, तो उतना आप याद अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इतना याद करके चलो। ठीक है, अब देखो जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें ये है कि मोर एक्टिव, ठीक है, मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस एक्टिव मेटल, या मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक, देखो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। देखो जिंक यहाँ पे लाई कर रहा है सबसे, ये मोस्ट रिएक्टिव है। जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो किसी भी रिएक्शन में जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कैल्शियम करेगा, मैग्नीशियम करेगा, एल्युमिनियम करेगा। आप इससे अपनी रिएक्टिविटी सीरीज से इसको बता सकते हो कौन किसको रिएक्ट करेगा या डिस्प्लेस करेगा। तो इसका एग्जांपल्स याद रहना जरूरी है। ये जो है जितने भी आपको सीरीज में दे रखे हैं इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। देखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले ना यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन दे रखे रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये सारे रिएक्शन मैं बोलूँगा कि इसको आप नोट करके चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ सब कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन पूछ देंगे कि आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको अगर हम रिएक्ट करें वाटर से, ठीक है, देखो तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सारे जो है कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएंगे। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इनको हीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे और हमारा यहाँ पे अल्कलाइन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, बेस जो है ये फॉर्म कर लेंगे। लेकिन वहीं पे जो लेस एक्टिव मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, ये कम रिएक्टिव है। अब इसको आप कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इनको चाहिए स्टीम, यानी कि हम इसको बहुत ही हॉट टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट कराएं तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है। वो भी आयरन जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक जितने से हम वाटर से रिएक्ट कराए हैं सब में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जब आयरन रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो अगर अनरिएक्टिव मेटल है जैसे कि कैडमियम और टीन, जैसे कैडमियम और टीन जो है ये अनरिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा, ना ही कोल्ड वाटर से करेगा ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, यानी कि ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा, स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेगा। सो ये याद कर लो, सोडियम कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा, और कैडमियम और टीन जो है हमारा अनरिएक्टिव है, किसी भी वाटर से स्टीम से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये था कि कैसे मेरे मेटल जो है वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, और हर रिएक्शन में तुम देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये रिएक्शन था। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एसिड का। अब देखो यहाँ पे जब मेरा मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर डिस्प्लेस होगा, यानी कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन दे रखा है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन, यानी कितना हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर रहा है उससे हम पता सकते हैं कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखो जितना ही स्लो गैस अगर यानी कि लीस्ट एक्टिव मेटल है, जितना ही कम रिएक्टिव मेटल होगा, कम एक्टिव मेटल होगा, उतना ही स्लोली जो है गैस इवोल्व करेगा, और जितना ही मेरा फास्ट रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही फास्ट उसमें हमारा गैस इवोल्व करेगा। तो हाइड्रोजन जो गैस है ये कितना इवॉल्व कर रहा है उसको देख के बता सकते हैं कि मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो बहुत फास्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बहुत लेस एक्टिव होगा तो बहुत ही कम जाके हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे दे रहेगा कि वेरी लेस एक्टिव मेटल, जैसे कौन से एग्जाम्पल है, सिल्वर और गोल्ड। देखो सिल्वर और गोल्ड जो है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत लेस एक्टिव होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद दी HCl, यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव है,
कम रिएक्टिव होगा, स्लो रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फास्ट रिलीज होगा। सिल्वर और गोल्ड जो है ये रिएक्ट नहीं करता है एसिड से, ये याद कर लो। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में देखो कोई चीज़ रिपीट नहीं करता, तीन बार रिपीट कर दिया कि जो रिड्यूसिंग एक्टिविटी बोल लो या यहाँ पे एक्टिविटी बोल लो सबसे ज़्यादा होता है जिंक का, फिर कॉपर का, फिर सिल्वर का। ये एग्जैक्ट याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव और रिएक्टिव, मेरा जिंक है, फिर कॉपर है, सबसे कम जो है सिल्वर है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मेरा प्रॉपर अच्छे से। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक्टिविटी सीरीज जो है मेरा हैलोजन का भी होता है, जैसे हमने यहाँ पे मेटल्स का एक्टिविटी सीरीज पढ़ा वैसा सेम यहाँ पे हमारा हैलोजन्स का भी यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो जो पावर ऑफ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है ग्रुप 17 के अंदर जो हैलोजन है उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ये मेरा ऑर्डर है। अगर आप पी ब्लॉक पढ़ोगे ग्रुप 17 के अंदर ये सारे रिएक्शंस वहाँ पे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उससे अच्छा एक बार यहाँ पे पढ़ लो फिर वहाँ पढ़ लो, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुप 17 के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है का पावर है, मतलब उसका जो है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पावरफुल है फ्लोरीन है, लीस्ट पावरफुल जो है आयोडीन है। ठीक है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टी। अब देखो फ्लोरीन जो है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है, पूरे ग्रुप 17 में जो है मोस्ट रिएक्टिव जो है फ्लोरीन है हमारा, और ये इतना पावरफुल है कि ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, फ्लोरीन। लेकिन अब एक बात देखो, फ्लोरीन जो है मेरा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये वाटर को अटैक करके और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है वाटर से। फॉर एग्जांपल जैसे ये रिएक्शन देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप अगर पढ़ोगे पी ब्लॉक तो उस पी ब्लॉक में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन दे रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि फ्लोरीन जो है वाटर से जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखो यहाँ पे जो लाइन लिख रहा है, कितना मस्त क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि देखो लिख रखा है कि फ्लोरीन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इनको हमको अगर रिप्लेस करना है तो हम फ्लोरीन को यूज़ नहीं कर सकते एको सॉल्यूशन में। ये एसर्शन है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यूजिंग फ्लोरीन आर नॉट जनरली कैरीड आउट बाई द एको सॉल्यूशन। क्यों, रीज़न क्या होगा? क्योंकि फ्लोरीन जो है हमारा बहुत जल्द रिएक्टिव होता है और वाटर पे अटैक करके ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करा देगा वाटर से। ठीक है, तो अगर हमको रिप्लेस कराना है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को एको सॉल्यूशन में तो फ्लोरीन का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्लोरीन जो है वाटर से ही रिएक्ट कर लेगा, एको सॉल्यूशन में पानी भी होगा, पानी को ही रिएक्ट कर लेगा, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं करा के खुद ही रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए हमको अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रिएक्ट कराना है तो हम एको सॉल्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि एको सॉल्यूशन में पानी है और पानी जहाँ मिलते हैं फ्लोरीन खुद रिएक्ट कर लेगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एसर्शन रीजन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि एसर्शन ये है, रीज़न ये है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात सही है, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है एको सॉल्यूशन में, क्लोरीन जो है आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है एको सॉल्यूशन में, और ये दोनों रिएक्शन जो है वो बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि क्लोरीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव बोल लो या ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लो है। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो रिएक्शन है, क्लोरीन ब्रोमीन को जब डिस्प्लेस कर रहा है और क्लोरीन जब आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको हम यूज़ करते हैं लेयर्स टेस्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लेयर टेस्ट पता है कि क्या होता है तो आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मेन बात ये है, बस कुछ नहीं है इसमें, आपको याद होना चाहिए हम कौन सा रिएक्शन जो है लेयर टेस्ट में यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कराता है वो, और क्लोरीन जो है आयोडीन को डिस्प्लेस कराता है वो। तो बस दोनों रिएक्शन याद कर लो कि दोनों रिएक्शन को यूज़ करते हैं लेयर्स टेस्ट में। और यही बात है कि ब्रोमीन जो है आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैंने इसको समराइज़ करके यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि देखो क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन को, क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन और आयोडीन को, ब्रोमीन जो है डिस्प्लेस कर सकता है आयोडीन को, यानी कि फ्लोरीन इन तीनों को कर सकता है, क्लोरीन इन दोनों को कर सकता है और ब्रोमीन आयोडीन कर सकता है। तो लास्ट जो रिएक्शन है हमारा कि ब्रोमीन जो है ये डिस्प्लेस कर सकता है आयोडीन को, तो ये रिएक्शन देख लो। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये सारे आपको पी ब्लॉक के अंदर अच्छे से रिएक्शन मिलेंगे, तो वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ भी पढ़ लो। अब देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये क्या है, ये बहुत यहाँ पे अच्छा देखा कि कुछ नहीं होता कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ -2 के अंदर, फिर यहाँ पे 0 के अंदर, तो एक बार इसका रिडक्शन हो रहा है और एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कि एक ही एलिमेंट का यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये हो जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है जो डिसप्रोपोर्शनेशन में जा रहा है, उसमें ये कंपलसरी है कि उसमें एटलीस्ट थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन का है -1 है, फिर -2 है, फिर 0 है, तो यहाँ पे क्या हो, इसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वही है कि एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तभी कोई सब्सटेंस जो है डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है।
तो यहाँ पे आप याद कर लो कि कौन कौन सा सब्सटेंस है जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, यहाँ पे दे रखा है कि फ्लोरीन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फ्लोरीन में मोस्ट कॉमनली जो है माइनस वन ही होता है, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल देखो HClO4, HClO3, HCl, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है, यहाँ पे प्लस सेवन है और यहाँ पे माइनस वन है। तो तुम देख लो कि अगर प्लस फाइव से प्लस सेवन में चला जाए तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, प्लस फाइव से माइनस वन में चला जाएगा तो इसका रिडक्शन होगा। तो इस तरह से क्लोरीन का तीन ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वॉल्व होगा एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, ठीक है। देखो ये तीनों रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पी ब्लॉक में जब पढ़ोगे इसको तो बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको अभी से ही याद करके चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम पी फोर को वाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस को रिएक्ट करेंगे OH माइनस से, तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। एग्जैक्ट रिएक्शन याद है कि फॉस्फाइन पर जिन फॉर्म होगा, ठीक है, तो ये सब याद कर लो। सल्फर जो है जब ये करेगा मेरे OH माइनस से तब क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तुम ये भी देख लो ध्यान से कि इन तीनों रिएक्शन के अंदर, ठीक है, हमारा क्लोरीन के यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, तुम देखो फ्लोरीन शोज डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर व्हेन इट अटैक्ट द अल्कली। देखो यहाँ पे हमारा क्लोरीन का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, लेकिन जब हम मेरा फ्लोरीन रिएक्ट करेगा इनसे तो यहाँ पे फ्लोरीन माइनस वन ही शो करेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग बताया था कि फ्लोरीन जो है हमेशा माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है कि ये प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से शो नहीं कर सकता। यहाँ पे क्लोरीन प्लस वन ऑक्सीडेशन से शो कर दे रहा है, लेकिन फ्लोरीन जो है नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए फ्लोरीन कभी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा उसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, वो है या तो जीरो या तो माइनस वन, ठीक है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये बहुत अच्छा यहाँ पर देखा कि लिमिटेशन ऑफ फ्लोरीन क्या है, कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया कि इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसके कारण से ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता। तो अगर आपको बोलेगा कि एग्जाम में मतलब चार डिसप्रोपोर्शनेशन में से कौन सा नहीं है, तो चारों ये रिएक्शन जो है आपको दे रखा है, याद कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो कि ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये और ये और ये, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है रिएक्शन, ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा माइनस वन ही शो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि इसमें आप बताओ कि कौन सा जो है डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं, आप पेपर में देखना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोरीन का यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे प्लस थ्री है, प्लस फाइव है और प्लस सेवन है, ठीक है। अब तुम देखो मैंने क्या बताया था कि जो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सेवन, क्लोरीन जो है प्लस सेवन से ज़्यादा शो नहीं कर सकता, ठीक है, ग्रुप 70 में लाइक करता है। तो अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इससे अब ज़्यादा इंक्रीज कर नहीं सकता, प्लस एट कर नहीं सकता, इससे हमेशा अब डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं कर सकता, यानी कि अब खुद का कभी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता Cl4-, यानी कि भले रिडक्शन कर ले लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं कर पाए, तो क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन फॉलो कभी नहीं होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से याद कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आइडेंटिफाई करो, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे कॉपर का प्लस वन है, यहाँ प्लस टू है, फिर जीरो है, एक बार ये ऑक्सीडाइज कर रहा है फिर एक बार रिड्यूस कर रहा है, तो ये हाँ डिसप्रोपोर्शनेशन है। फिर यहाँ पे देखो मैंगनीज का प्लस सिक्स से प्लस सेवन में कन्वर्ट हो गया, फिर प्लस फोर में कन्वर्ट हो गया, तो एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी है। यहाँ पे नहीं है क्योंकि देखो प्लस सेवन से प्लस सिक्स में कन्वर्ट हुआ फिर प्लस फोर में गया, मैंगनीज का यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमेशा अपने आप से कम ही होगा, प्लस सिक्स ही होगा, प्लस फोर ही होगा, प्लस एट नहीं हो सकता, इसीलिए अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दो ही यहाँ पे हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस टाइप से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा से आप रिडक्शन कर सकते हो। देखो अब ये बहुत अच्छा यहाँ पे दे रखा है, पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको, 2019 के अंदर इसे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसको मत छोड़ के जाना, ये बहुत तीनों एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा S4O6-2-, इनमें देखो आप तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे माइनस वन आएगा, यहाँ पे प्लस वन, फिर ये चार बॉन्ड का प्लस फाइव, यहाँ पे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन प्लस फाइव होगा, इसका जीरो होगा, क्योंकि दोनों साइड सेम एलिमेंट है तो फिर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव का चेंज नहीं होगा, तो इसका जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा और इसका जो है प्लस फाइव होगा। तो एवरेज क्या निकालेंगे, तो प्लस फाइव प्लस फाइव टोटल कितना हुआ, सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट टेन हुआ, टोटल टेन हुआ और टोटल एटम कितने हैं चार, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर पे कितना होगा, 10/4=2.5, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें BR3O8 जो कि 2019 में क्वेश्चन आया था, ट्राई ब्रोमो
ऑक्टा ऑक्साइड पे, ठीक है। तो इस पे ब्रोमीन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, देखो तो +2 +2 +2, यानी कि इस ब्रोमीन पे +6 होगा, यहाँ पे +2 +2, यानी कि इस पे +4 होगा और इस पे +6 होगा। टोटल कितना हुआ, 16 अपन कितना एटम है ब्रोमीन का, 3 एटम है, यानी कि 16/3 होगा। उसी तरह से कार्बन सब ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, C3O8, पहले C3O2, इसका तो पहले स्ट्रक्चर ही याद कर लो कि 3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दोनों साइड 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन होगा, इसका इसका +2, अब ये दोनों सेम एलिमेंट है तो 0, फिर ये भी दो सेम एलिमेंट है तो 0, यहाँ पे +2, यानी कि टोटल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ठीक है, 4/3 होगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हाँ 4/3 होगा, ठीक है, सॉरी, सो यहाँ पे ये 4/3 होगा, ठीक है। सो टोटल कितने ऑक्सीडेशन 4 हुआ और टोटल कार्बन कितने 3, यानी कि 4/3 होगा। तो यहाँ पे समरी में दे रखा है सबका ऑक्सीडेशन याद कर लो, और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था, और इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, CrO5 का स्ट्रक्चर जो ये होता है, इसको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यहाँ पे क्रोमियम पे +6 होगा, और यहाँ पे 2 जो है ये आपके ऑक्सीजन के पर ऑक्साइड बंड है, इसीलिए यहाँ पे इसका +6 होता है, और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दे रखा है, देखो अभी ये यहाँ पे बैलेंसिंग वाला देखा, तो बैलेंसिंग का मैंने अच्छे से आपको प्रॉपर वीडियो बना के बेस्ट ट्रिक बताया था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो उसको जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी 2023 में जो मैंने पेपर दिया था 7 मई को, उसके अंदर भी आया हुआ था, तो आप इसको बैलेंसिंग को छोड़ के मजाने से आप किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर कहीं भी एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाएगा। तो बैलेंसिंग के मैंने अच्छे से जितने भी यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स है इस वीडियो में मैंने करा रखा है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है सब मैंने उस वहाँ पर करा रखा है, ठीक है। अब देखो जो रीनीट हुआ था 2023 के अंदर जो मणिपुर में हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन आया था रिडॉक्स कपल के ऊपर, देखो ये क्वेश्चन था, ठीक है, हल्का सा इन्होंने चेंज किया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट रिडॉक्स कपल जो है आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है कि रिडॉक्स कपल क्या होता है। तो ये सिंपल सा ये समझ लो कि हैविंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म साथ में हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के फॉर्म में, उसको रिडॉक्स कपल बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। और ये जो आपके डेनियल सेल्स हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर देखो मैंने बहुत मेहनत करके आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दोनों पार्ट में मतलब NCERT लेक्चर डाला हुआ है, तो उसको एक बार आप नहीं देखो तो देख लो, वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से की चीज़ को, यहाँ पे बस हल्का सा टच किया हुआ है, वहाँ पे हमने प्रॉपर डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है। और ये जो टेबल है ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। सो ये फ्लोरीन जो है बेस्ट ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, और जो रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिथियम का होगा। तो ये सब हमने वहाँ पे उस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखा हुआ है, वहाँ से प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मतलब बाकी चार